अब आप चुनावी भाषण की तरह अगर नॉनस्टॉप बोलेंगे तो सवाल कब सुनने पाएंगे? सवाल सुनने के लिए भी थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। रोहन जी, मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ कहाँ पर है। गड़बड़ यहाँ पर होती है कि कांग्रेस पार्टी कहती है बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में लिखती है कि ईवीएम से चुनाव करवाएंगे। ईवीएम से चुनाव तो कराने कह रहे, लेकिन देश की जनता जो बैलेट पेपर वाले थे, आप कैसे ईवीएम पर आ गए? सुनिए सुनिए ना, देश की जनता जो कहेगी हम उनकी मांग की बस, मतलब अब देश की जनता कह रही है बैलेट पेपर नहीं चाहिए, और क्या हम उनके, देश की जनता कह रही है बैलेट पेपर नहीं चाहिए, हम पहुंचा रहे सरकार तक, इसमें कौन सी बात है? अगर हम कहे सरकार कहती है, मतलब जनता कहती है, तो सरकार को कराना पड़ेगा बैलेट पेपर से, कौन बिल्कुल करवाना पड़ेगा। मैं तो सर यही कह रहा हूँ, कुमार श्रीकांत, अब तक कांग्रेस कह रही थी बैलेट पेपर के अलावा कुछ नहीं, ईवीएम तो गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि हम आएंगे तो चुनाव तो ईवीएम से ही होगा, हम आएंगे, घोषणा पत्र में लिख दिया कि चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। कुमार श्रीकांत, इतना बड़ा यू टर्न मारा कांग्रेस पार्टी ने, सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि कल तक तो आपको सिर्फ बैलेट पेपर पर यकीन था, आज ईवीएम पर यकीन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। कुमार श्रीकांत, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से, अगर आप उसका इतिहास देखिए, और वो 2014 के बाद खास तौर से वो पिकर एंड चूजर की राजनीति करती है, कभी वो ईवीएम की शाबाशी देती है, आप जहां जहां जीतते हैं वहां ईवीएम अच्छी होती है, जहां जहां आपको हार मिलती है वहां पर आप ईवीएम को लेकर गाना गाते हैं। और बड़ा सवाल ये है, क्या ईवीएम हिमाचल में खराब नहीं थी, कर्नाटका में नहीं थे, तेलंगाना में नहीं थी, और जब जब आप जीत जाते हैं, राहुल गांधी वायनाड से जीते तो ईवीएम ठीक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी हार लिया जाए, कह दिया जाए कि नहीं हम जीत गए, गलती हो गई है, क्या चाहते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी 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 बोलिए, क्योंकि मुझे किसी और की बीच में आवाज आ रही थी, सॉरी, बात पूरी कर। देखिए वायनाड से राहुल गांधी जीतते हैं तो फिर ईवीएम ठीक है, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी अगर हार जाते हैं तो ईवीएम ठीक नहीं। देखिए आज एक पीसी थी कौशाम्बी गाजियाबाद, और उसमें राहुल गांधी भी थे और अखिलेश यादव भी थे। आपको पता है राहुल गांधी ने एक अपना अलग तरीका अपना रखा है, आप राहुल गांधी से जहां इनफॉर्मल या फिर आप कहा जाए ऐसे सवालों को अगर उनसे पूछते हैं जो सवाल उनको डाइजेस्ट नहीं होते, या फिर वो सवाल जिनका उनपे जवाब नहीं होता है, वो सीधे सवाल का जवाब नहीं देते और काउंटर करने लगते हैं और आपसे कहते हैं कि साहब आप बीजेपी के सवाल हैं, आप बीजेपी के पत्रकार हैं। मुझे लगता है पत्रकार बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी और बीएसपी के नहीं होते, पत्रकार पत्रकार होते हैं। अरे इस मासूमियत पे तो लग रहा है कि सदके जाना पड़ेगा सिकरान जी। राहुल गांधी से पूछा कि आप अमेठी क्यों नहीं आ रहे हैं, मासूमियत कैसे? पत्रकार आपको नहीं दिखता कि पत्रकार मुद्दों की बात कर रहे हैं, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है? हमारे यहाँ बैठ के प्रियंका गांधी के सहारनपुर के एक दिए हुए बयान के लेकिन एक घंटा हम लोग पंचायत करेंगे। देखिए तो बेरोजगारी को लेकर आप माहौल नहीं बना पा रहे, अगर कांग्रेस पार्टी फेल हो रही है बेरोजगारी के मुद्दे पर, अगर कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल है तो मीडिया ही कर लेगा क्या काम आपका भी? अरे आपके आलस का काम मीडिया थोड़ी ना कर लेगा भाई, आपका प्रचार कहाँ है, आपका प्रचार क्यों नहीं है बेरोजगारी पर लेकर के? आपको कोई सुनता क्यों नहीं है बेरोजगारी को लेकर के? कांग्रेस पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं करता? हिमाचल के चुनाव से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल के चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा 1,00,000 रोजगार देंगे, हिमाचल में जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार ने कहा कहाँ से दे देंगे 1,00,000 रोजगार? साहब निरंजन पोद्दार, निरंजन पोद्दार, अगर बेरोजगारी पर माहौल बनाने में कांग्रेस फेल हो गई तो ये जिम्मेदारी अब मीडिया को निभानी चाहिए। निरंजन पोद्दार वही किया है, अब आप लोग कांग्रेस के साथ नहीं, निरंजन पोद्दार, शांत प्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको? शांत प्रकाश जाटव, हाँ मैं सुन रहा हूँ जी। सहारनपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान है, अगर ईवीएम ठीक से काम करेगी तो बीजेपी 180 सीटें से ऊपर नहीं जीत पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस लगा हुआ है, प्रशांत भूषण ने क्या दलीलें दी थी ये हमने इस बहस के शुरुआती हिस्से में बताया, उस वक्त आप नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन प्रशांत भूषण ने क्या दलीलें दी, अदालत की तरफ से क्या कहा गया, कल एक बार फिर ईवीएम वाले मसले पर सुनवाई होनी है, वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम पर जो बटन दब रहा है उसका 100% क्रॉस चेक हो जाए, इसे लेकर अभी सुनवाई चल रही है।